क्या कर रहे हैं मुकेश? ये देखो पढ़ाई कर रहा था गाइस, ये दूसरे को लगता है कि ये पढ़ाई कर रहा है लेकिन ये मोबाइल चला रहा था। ये देखो मोबाइल में क्या कर रहा था। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू बाय एक माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज का यह ब्लॉग मैं अपने घर के अंदर से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये खटिया रखी हुई है और इधर ये बैग टांगे हुए हैं। और ये गाइस आज का ब्लॉग मैं रात को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में गाइस आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाई, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा और आज ज़्यादा घर का काम पड़ गया था। गाइस आज पूरा एकदम पूरा घर को पूरी तरह से साफ सफाई किए हैं और हर एक सामान को साफ करके और अपने अपने जगह पर उसको व्यवस्थित किए हैं। तो गाइस आज नहीं बना पाया दिन में व्लॉग, तो मैं सोचा कि आप लोगों को साथ में नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे दूं। दोस्तों आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आप आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहें और आप सदा सुखी रहें, यही मेरी कामना है। गाइज आज मैं सोचा कि आप लोगों को बधाई दे दूं और साथ में मैं अपना ब्लॉग भी बना दूं रात में और आपको बता दूं रीजन कि क्यों दिन में आज ब्लॉग नहीं बना पाया। तो यही है दोस्तों, ये रूम, यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, ये झोला रखा हुआ है और इधर ये ड्रम वगैरह है जिसमें अनाज रखा हुआ है और इधर ये पंखा और यहाँ पे ये बाल्टी रखी हुई है जिसमें पानी भरा गया है। ये दूसरे कमरे में ये मुकेश क्या कर रहे हैं? मुकेश ये देखो पढ़ाई कर रहा था गाइस, ये दूसरे को लगता है कि ये पढ़ाई कर रहा है लेकिन ये मोबाइल चला रहा था। ये देखो मोबाइल में क्या कर रहा था। कुछ नहीं देखो शॉर्ट वीडियो देख रहा था। आजकल के कैसे लड़के हो गए हैं कि पढ़ाई करने के लिए माँ बाप सोचते हैं कि पढ़ रहा है मेरा बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है और यहाँ पे ये परीक्षा ध्यान रखी गई है। ये कूलर का हवा लेकर यहाँ पे मोबाइल चला रहा है और इधर मेरा पूरा एकदम बेडरूम अच्छे से बना दो। यहाँ पे पूरा एकदम आज साफ़ सफाई किए हैं, जो कि आपको बताए हैं गाइज कि आज साफ़ सफाई किए हैं। तो ये यहाँ पे अभी बेडरूम सजाया नहीं है, इसको सजा दो अच्छे से। अपना सजा लिया है, मेरा देखो, मेरा गाइज देखो ये अभी सजाया नहीं है अच्छे से। और अच्छे से पढ़ाई करो और सजा देना इसको। और इधर मेरी गाड़ी रखी गई है और इधर ये पूरी तरह से आज सामान को व्यवस्थित करके रखे हैं। और इधर गाइज ये माता रानी है, ये पूजा किए हैं, ये दीप जल रहा है, ये अष्ट पूजा। तो गाइज माता राम को भी एकदम से व्यवस्थित कर दिए हैं, पूरी मूर्ति को एकदम से साफ करके व्यवस्थित कर दिए हैं। ऊपर ये कुछ यहाँ पे गिफ्ट वगैरह हैं, तो यहाँ पर भी इसको व्यवस्थित कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ ये चीज़ें पूजा की सामग्री रखी गई हैं। और इधर ये मेरे घर का ये किचन, ये माता बनाती होगी खाना अभी, ये रोटी बना रही है और यहाँ पे चावल दाल बना चुकी है। और इधर ये जाली रखी है और इधर ड्रम। तो गाइज कैसा रहा मेरा ब्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा डेली का डेली ब्लॉग आता है लाइफ से रिलेटेड डेली का डेली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।